भाजपा के केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से कार्यकर्ता भड़क गए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलथाम में प्रदर्शन कर रवनीत बिट्टू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मंत्री और संतरी तक उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेता राहुल गांधी है वो देश के लोगों की आवाज बनके लोगों तक जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज को उठा रहे हैं, गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं की। लेकिन इनके नेता उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। इनके मंत्री ये तक कह रहे हैं कि आप अपनी दादी की कितना आपका हर्ष होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी है, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी है। आज जिस तरीके का यहां पे एक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है भाजपा पार्टी, हम कहना चाहते हैं कि रवनीत बिट्टू तुरंत माफ़ी मांगे, भाजपा की सरकार माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हमारे नेता राहुल गांधी से, तो हम आज तो सड़कों पे हम यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। हम सड़कों से लेकर सदन तक, इस देश और इस प्रदेश की राजधानी तक हम उग्र आंदोलन करेंगे। पुतला दहन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह, जिला अध्यक्ष अभिषेक बोरा, पीसीसी सदस्य दीपक लुंटी, प्रदेश सचिव आनंद धामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार को वह बिना किसी सूचना के प्रातः 10 बजे नगर निगम के कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी कक्षों का निरीक्षण करने के साथ उन्होंने कई कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर कड़ा आक्रोश जताते हुए ईओ राजदेव जायसी को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम को कूड़ा शून्य किया जाना है। वह जल्द ही ट्रेचिंग ग्राउंड नैनीपातल का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी ने नगर निगम के नए भवन निर्माण को लेकर अब तक हुई कार्रवाई को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तमाम पत्रावलियों की जांच की और ईओ से कहा कि नगर को जल्द से जल्द कूड़ा मुक्त किया जाए। ईओ ने कूड़ा निस्तारण के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पर्वतीय जो शहर है उनमें से सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, उसमें से एक नगर निगम का गठन भी है नगर पालिका उच्चीकरण करके। तो इसको देखने के लिए मैं आया था और दूसरा हमारा ये पर्पज था कि पिथौरागढ़ को कूड़ा शून्य जो है बनाया जाए। तो जो नैनीपातल में जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और उसका सेग्रीगेशन की जो अभी प्रक्रिया है उसको मैं, उसके बारे में क्या ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में देखने आया था। फिर वहाँ फील्ड पर भी मुझे जाना है नैनीपातल में। तो जो रुद्रपुर में करा है, रुद्रपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में वहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम ने कूड़ा शून्य बना दिया है। वहाँ का जो कूड़ा का ढेर था वही हमारा प्लान यहाँ पर भी है। इसके अलावा यहाँ पर जगह कम है और कर्मचारी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए अब जो नई बिल्डिंग बननी है उसकी क्या प्रोग्रेस है उसको भी देखना है। और बाकी जो कर्मचारियों के लिए भी सही व्यवस्थाएं हों और जो डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाले वाहन हैं वो भी थोड़ा कम है। अभी 5 वाहनों की और यहां से डिमांड भेजी गई है। इसके बाद वह नगर निगम के सभागार पहुंचे। वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक युवतियों को टिप्स दिए, साथ ही उन्हें तैयारी के लिए अपने स्तर पर एक्सपर्ट उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही नगर में स्थापित लाइब्रेरी की सूचना भी अधिकारियों से ली। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र, सभी जोड़ों के दर्द, गठिया बात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। चंपावत जिले में स्वाला के पास बंद पड़ी ऑल वेदर रोड
छोटे वाहनों के लिए खुल गई है। दोपहर में सड़क खुलने के साथ ही वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। स्वाला में लगातार भूस्खलन से सड़क बार बार बाधित हो रही थी। सड़क पर काफी मात्रा में मलबा जमा है। फिलहाल बड़े वाहनों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। जल्द ही बड़े वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। मुनस्यारी तहसील के तोमिक गांव को जोड़ने वाली दोनों सड़कें पिछले 3 माह से बंद पड़ी हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कत हो रही है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन कर सड़कों को शीघ्र खोले जाने की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रसिद्ध किया गया था, पर अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। आज 2 माह बीत गया है। पत्थरकोट से तोमिक PMGSY मोटर मार्ग और झाबली से तोमिक पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्राम सभा तोमिक के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त है, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, पुलिया ध्वस्त है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पड़ी पेयजल योजना और पुलिया का भी निर्माण कराए जाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले महेंद्र कुमार के परिजनों से गुरुवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संगठन के गोविंद बौद्ध ने इसे हत्या बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, अन्यथा भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।